हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में करहल रोड स्थित एलआर गार्डन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू जागरण मंच द्वारा एक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ नए पदाधिकारी बनाकर संगठन की जिम्मेदारियां सौंपी गईं तथा इस बैठक में समाज में फैली कुरीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से कहा कि सनातन धर्म की परंपराएं जो विलुप्त होती जा रही है तथा समाज जातिवाद में बढ़ता चला जा रहा है, उस समाज को एकजुट करने का सभी को प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए समाज को संगठित करने पर जोर दिया गया। इस बैठक में धर्म परिवर्तन को लेकर भी चिंतन किया गया तथा बताया कि कुछ लोग गरीब तबके के लोगों को लालच देकर व भ्रमित कर धर्म परिवर्तन करा कर ईसाई बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सभी को सचेत रहने की जरूरत है। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह भागौर, जिलाध्यक्ष भरत सिंह, जिला महामंत्री भाजपा शशिकला यादव, विभाग प्रचारक धर्मेंद्र पंकज मिश्रा, चेयरमैन सिरसागंज सोनी शिवहरे, आयुष प्रताप, वीरांगना बाहिनी की जिला उपाध्यक्ष आशा पोरवाल, अमिता पोरवाल, कंचन पोरवाल, माधवी गुप्ता, नगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच अनुराग सिंह तथा अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अनुशासनिक संगठन जो है हिंदू जागरण मंच के द्वारा यहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। उस सम्मेलन में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री श्री सुरेंद्र जी आज यहाँ बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष थे। उस कार्यक्रम में जो हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, हिंदू जागरण मंच का जो कार्य है, उन सारी विषयों पर आदरणीय प्रदेश महामंत्री जी ने बहुत विस्तार से इस सब के बारे में जानकारी दी। और जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, जो हमारा सनातन धर्म कहीं विलुप्त सा या इस बात को ऐसे कहें कि जातिवाद में जो बढ़ता चला जा रहा है, उसको एकजुट करने का उन्होंने आह्वान किया, समाज को संगठित करने का काम किया। इन्हीं सारी बातों के साथ तो हमारे जो युवा साथी हैं उनमें जोश भरने का काम किया है। ये हिंदू जागरण में सिरसागंज की एक बैठक थी हमारे संगठन की, और बैठक के अंदर कुछ नए पदाधिकारियों को दायित्व दिया है आज, और दायित्व में बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ एकत्रित हुए थे, उन सभी को जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से चंद्रनगर के अंदर सिरसागंज और पाड़म वगैरह में ईसाई मिशनरी जिस तरीके से हिंदुओं को प्रबोलन दे करके ईसाई बना रही हैं, उसी पे विशेष चर्चा हम लोग कर रहे हैं और की भी है। और जहाँ जहाँ पर वो लोग सक्रिय हैं, जो हमारे दलित पिछड़े लोगों पे सक्रिय होते जा रहे हैं, वो लोग जो हमारे हिंदू भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं और ईसाई धर्म अपनाते जा रहे हैं, उस सबको रोकने के लिए एक विशेष आज यहाँ गोष्ठी हम लोगों ने की थी, उसी पे आगे हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों का जो कल्याण वो लोग कराने पर लगे हुए हैं, यहाँ पर बड़ी समस्या है, उस समस्या का निदान करने के लिए हिंदू जागरण मंच को सक्रिय किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच उस सब पादरियों का, जितना भी यहाँ पादरी है, जहाँ भी चर्च वर्च बन नहीं है नई, और जो लोग जहाँ गांव-गांव में सक्रिय हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं करते हैं, जो कहना चाहिए कि बीमारियाँ आपकी हटा देंगे, ईशू ये कर देंगे, उन सब चीज़ों को रोकेंगे। जो गलत तरीके से धर्मांतरण का काम चल रहा है उन लोगों, उसे रोकने के लिए हिंदू जागरण मंच अपना अभियान चला रहा है, और उसी अभियान के तहत आज यहाँ सिरसागंज में एक बैठक बुलाई गई है। उसी बैठक में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया, जिन कार्यकर्ताओं को सभी को आज ये चीज़ समझाई गई है कि ईसाई धर्म के जितने भी लोग यहाँ पर धर्म के, हमारे धर्म के प्रति गलत काम कर रहे हैं, उसे रोका जाएगा, और जितने भी विधर्मी हैं, जिहादी हैं, उनकी एक्टिविटी पर भी हर गली मोहल्ले शहर के अंदर नजर रखी जाएगी। जो हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद किया जा रहा है, व्यापारों को नष्ट किया जा रहा है, उन सबको रोकने के लिए हिंदू जागरण मंच हमेशा हिंदुस्तान के अपने 33 राज्यों में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर के लिए काम करता है, और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ